भाभी जी घर पर हैं। बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशर्फी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशर्फी हमारे पास हो तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशर्फियाँ? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ, मिला भी दी और गोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। काहे तकलीफ की आपने दूध वूध की? अब नहीं भी पीते तो चलता ना। आपको दूध पीना पड़ेगा, इतने प्यार से बना के लेके आया हूँ, दूध तो पीना पड़ेगा। आप आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ, मिला भी दी और गोल भी दी है। आपको दिमाग खराब हो गया होगा जो तिवारी भैया के घर को खुदवा रहे तुम हमसे। अगर माल चाहिए तो चुप करके खुदाई कर बस। भैया जी कब तक खोदनो है? खोदने के लिए इतने ही है, बस खोदते जाओ खोदते जाओ। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्ता है, आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते है, तुम सारे फावड़ा लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? का लेटर है, कछु है? ऐसे मानेगा नहीं, बता उसको भी बता। इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगने वाला है। खजाना? अभी बताइए इनके, बताइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आप भी खुदाई करेंगे? अरे तो तू क्या समझता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ दो ही चीजें की हैं, एक तो खुदाई और तू। चाचा जी प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। अरे सुई तो अंदर ही रह गई दादा। रिलैक्स सब कुछ, रिलैक्स भैया, रिलैक्स। कमिश्नर साहब भी यहाँ पे हैं। या सही सही बताओ ये सब क्या नाटक है? देखो मुझे साफ साफ बता दो, वरना आप लोगों को मालूम है ना कि मेरे पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। भाई फावड़ा लाओ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाभी अंगूरी, मजो आ गो, कसम से कह रहे कितना बढ़िया गरम गरम नाश्ता खिलाओ आपने। थैंकू। मिल नहीं रहे, हम ढूंढ के आते हैं उनको कहीं पे। अरे बताओ ससुर, जो सक्सेना ने हमें बेवकूफ बनाओ, सारे मिलिए चौराहे में, बीच चौराहे गुर्दा नोच देंगे। चेयरमैन खान, यह 2000 रुपया की है ना, मस्त इंग्लिश वाली पियेंगे और ताजो ताजो मुर्गा तोड़ेंगे। जालिम सही कह रहे हो। तेनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, तेनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, अरे पूतनी के पूतनी के। कमिश्नर सर, मैंने दरोगा हप्पू सिंह के पास टीका मिलकान की कंप्लीट कर दी है। ओके, मुझे वैसे हप्पू सिंह पर पूरा भरोसा है। सारे कहां गए जो सक्सेना, दरोगा हप्पू सिंह को सारे बेवकूफ बना रहा हूं, एक बार मिल जाए सारे के गुर्दा छील लेंगे हम। जो रहो सारे तेरे गुर्दा छीलेंगे। सारे सक्सेना के बच्चे कमिश्नर की ड्रेस पहना के हमें बेवकूफ बनाते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही है अभी? हाँ सुनिए, देखिए क्या है कि आज ना किसी भी हालत में मुझे मेरे पागल भाइयों के लिए कपड़े, कंबल, चादर और शॉक मशीन भेजनी है पालन खेत जी। मथुरा में आपका ट्रक अटका हुआ है, अरे कुछ करिए ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। कानपुर में कोई भी ट्रक नहीं है, सब बाहर है, प्लीज़ कुछ करिए, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सर। हल नहीं हो सके।
मर जाएंगे मेरे पागल दोस्त। डोंट वरी सक्सेना जी, मैं सामान लेके जाऊंगा आपका पालन खेत। अरे भैया बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कैसे ले जाएंगे आप? सर पे रख के ले जाएंगे? मैं ये प्रिंसेस का मेगा एक्सेल ले लूंगा। प्लीज दे देना मुझे, तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है यार। और सुनिए प्रेम भाई, मेरे पागल दोस्तों की जिंदगी का भी सवाल है। अगर कंबल, चादर, कपड़े और शॉक मशीन नहीं पहुंची टाइम पे तो बेचारे बिना शॉक के मर जाएंगे। माना कि मैं कमीना हूँ, लेकिन इतना बड़ा कमीना भी नहीं हूँ। घर भला तो हो भला। क्या करूँ, कहाँ से दे दूँ, चोरी करूंगा। हेलो भैया, उतरे उतरे। आओ भैया, सीट सीट भैया सीट प्लीज। और भैया क्या हाल चाल? सब ठीक है भैया। आज तो बड़े, मतलब आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो भैया। स्मार्ट तो हम है ही, लेकिन आज लगने का क्या मतलब है भाई? भैया आज का मतलब ये कि भैया आज कुछ ज्यादा ही, मतलब हैंडसम स्मार्ट लग रहे हो आप। अच्छा बेटे, बहुत चमचागिरी कर रहे हो क्या बात? भैया वो कहा है कि मेरी दूर की एक होने वाली गर्लफ्रेंड है, बाप का जन्मदिन है आज। अच्छा तो तो भैया जी, टीका ना वालो इंडिया को ना सोने की अंगूठी गिफ्ट में देना चाहते है। ओहो अच्छा, तो भैया जी जाकू ना आप 10,000 रुपये उधार दे दो। 10,000? तुम्हें मैं 10 रुपये ना दूं बे? भैया तो भैया भगवान आपको भला करोगे भैया, कृपा कर दो। खड़ा साले कट। सुनो नए कलेक्टर आओ है यार, खुले में शौच करने से मना करते हैं। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती। और भैया ये तो बता, तू है गो कौन? मैं ही रुकना बताता हूँ। यार क्या बदतमीजी है कि तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? ये यहाँ के कलेक्टर है। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। अरे चलो, तुम्हारा फैसला हो चुका है। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे, अब दोनों को बहुत खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं? हम साला ऐसे बदनसीब भाई हैं, इसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा पता नहीं ये लोग किस बिस कैसे करते हैं, हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो, मैं, हेलो, तो रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल ना आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली पति थोड़ी ना हूं। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा लेकिन चाची प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी।
आए बड़ो, के नया रूप धारण कर रखा है तूने? संगीत के लिए साड़ी पहननी होगी ना, तो भी से अभ्यास कर रही। यशोदा सुनो। नंदी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा समझने का प्रयास करो, कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरे लल्ला के जीवन पे संकट, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही जो एक माँ को करना चाहिए। साल के बाद मनाएगी प्रीत अपनी बहन सिमरन के साथ राखी का त्योहार। एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था, लेकिन अब ये राखी का कर्ज अदा करना है। वहीं दूसरी ओर रचा है मोहिनी ने सिमरन के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र। तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ मैं कहूँगी। क्या मोहिनी से सिमरन को बचाकर कर पाएगी प्रीत अपनी राखी का वादा पूरा? जानने के लिए देखिए।